क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है? बिहार में एनडीए के चेहरे पर जेडीयू ने कौन सा ऐलान किया है? बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया है। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आगामी कुछ दिनों में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच जेडीयू ने आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दो चेहरे होंगे, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कामों से देश में अपनी एक खास पहचान बनाई है, इसलिए वे आगामी आम चुनावों में पार्टी का चेहरा होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी एनडीए का चेहरा होंगे, जिन्होंने विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। इससे इतर उन्होंने सितंबर महीने के आखिरी तक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता होने की उम्मीद भी जताई। जेडीयू नेता के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ चली है। सीटों के तालमेल को लेकर एनडीए के दलों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीजेपी के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत सकारात्मक है और चार दलों में कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला इस महीने के अंत तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में जेडीयू प्रमुख और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में एक फॉर्मूला सामने आया था जिसके तहत बीजेपी को 20, जेडीयू को 12, एलजेपी को 6 और 2 आरएलएसपी को मिलने की बात कही गई थी। हालांकि इस फॉर्मूले को बीजेपी समेत सभी दलों ने सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर बीजेपी इस फॉर्मूले में अड़ती है तो फिर जेडीयू अपनी राह अलग कर सकती है। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक होने के संकेत दे रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।